और राजस्थान में फर्जी तरीके से एमबीबीएस की डिग्री के बिना डॉक्टर बनने के मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक किरोड़ी लाल मीणा से मामले को लेकर हमारी संवाददाता नेहा जोशी ने खास बातचीत की। क्या कुछ बातचीत हुई आप भी सुनिए। डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, लेकिन वही डॉक्टर अगर फर्जी डिग्री के तहत इलाज करे तो ये एक चिंता का कारण बन जाता है। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हैं, वो बार बार ऐसे जो फर्जी डिग्री पाकर के फर्जीवाड़े से जो अपनी पहचान बनाते हैं उनका खुलासा है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा करते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या कुछ इस बार खुलासा आपने किया है कि फर्जी डिग्री लेकर के डॉक्टर बने हैं? ऐसा है, ऐसे एक दर्जन प्रकरण मेरे सामने आए जो पास तो केवल 12वीं हैं, लेकिन मेडिकल काउंसिल महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, वहाँ से रजिस्ट्रेशन ले आए और उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर यहाँ आरएमसी ने उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया बिना वेरीफाई किए। तो ये सारे प्रमाण मैं 24 तारीख को मुख्यमंत्री जी को, इसी 24 को, 24/9/2024 को सारे प्रमाण दे के आया था और उसका परिणाम ये हुआ है कि रजिस्ट्रार को सरकार ने सस्पेंड कर दिया। केवल सस्पेंड से काम नहीं चलने वाला, शायद सरकार इसमें गहराई से जांच कराएगी, प्रकरण एसीबी को दे दिया है तो और कई नई खुलासे होंगे। सोशल मीडिया पर आपका एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है कि सरकार है जो लीपापोती से काम नहीं चलेगा, तो आपका क्या कहने का मतलब है कि सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है? कि क्योंकि फर्जीवाड़े के सवाल पूछ पूछ कर हम पत्रकार थक गए हैं, लेकिन ये फर्जीवाड़ा ख़त्म ही नहीं हो पाता है, कांग्रेस की सत्ता हो या फिर किसी की पार्टी की सत्ता। हमारी सत्ता में तो कार्रवाई होती है, आपको पता है जो सब इंस्पेक्टर पेपर लीक था उसमें पिछली सरकार ने कुछ भी नहीं किया। हमने 156 सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया और आरपीएससी के 2 सदस्य पूर्व वो भी जेल के हवा खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सरकार कार्रवाई कर रही है। मैंने लीपापोती की बात इसलिए कही कि कहीं जो है नीचे के अधिकारी गुमराह नहीं कर दे सीनियर ऑफिसर्स को, इसलिए वो बात कही थी। ऐसा ही भर्ती परीक्षा जो लीक हुई थी उस पर भी एक टीम बनाई गई है जिसमें कुछ मंत्री शामिल हैं, उसमें भी आपका नाम शामिल नहीं है, जबकि आप बार बार इसकी आवाज़ है वो उठा रहे थे। वो तो मुख्यमंत्री जी का निर्णय है, जो उन्होंने किया है वो स्वागत योग्य है। उनको भी जो कमेटी बनाई है उनको मैं अपनी बात बताऊँगा जितनी मेरी जानकारी है। तो मेरा मन ये कहता है कि 50% लोगों फर्जी सब इंस्पेक्टर बन गए, इसलिए परीक्षा दोबारा होना चाहिए। इस आशय का पत्र मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिख दिया है, जो मीडिया को भी पता है। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने जो बार बार ऐसे मामले आते हैं फर्जीवाड़े पर, इनके सही कार्यवाही करने पर जोर दें, ये सरकार से ये बार बार अपील भी करते आए हैं। कैमरामैन मुकेश मीणा के साथ मैं नेहा जोशी, सच बेधड़क, जयपुर।